अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं एक और मज़ेदार सी बिरयानी जो कि है दम बिरयानी। जैसे एज़ यू नो द बिरयानी बहुत टाइप्स की होती हैं, सो डू ट्राई दिस दम बिरयानी, इट्स वेरी टेस्टी एंड यमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही सिंपल और बिल्कुल घर के मसालों में बनी हुई है, कोई बाहर का मसाला, कोई पैकेट इस्तेमाल नहीं किया गया और टेस्ट बिल्कुल तेगी बिरयानी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन ले लिया मैंने 1/2 kg। सेम रेसिपी को आप बीफ मटन जिससे भी बनाना चाहे उससे भी बना सकते हैं। 1/2 kg चिकन ले लिया है मैंने। अब इसको कर लेते हैं मैरिनेट। ऐड करूँगी सबसे पहले मैं सॉल्ट ऐड करूँगी 1.5 tablespoon, क्योंकि बाहर का कोई पैकेट नहीं जाएगा इसलिए सॉल्ट की मिकदार हमें बराबर रखनी होगी। अदरक लहसुन का पेस्ट आएगा 1 tablespoon, ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर इसमें 1.5 tablespoon जाएगा। हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी जब ये एक जो इसका येलो कलर बिरयानी का आएगा वो इसी से ही आएगा, तो हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर 1.5 tablespoon। आप अपने हिसाब से स्पाइस देख लेगा, मैं ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी हमारे यहाँ खाई जाती है तो मैंने 1.5 tablespoon डाला है। अगर आप लेस स्पाइसी चाहते हैं तो आप रेड मिर्च थोड़ी कम भी कर सकते हैं। अच्छा, कोरिएंडर पाउडर जाएगा इसमें 1 tablespoon। और गरम मसाला डाला है मैंने इससे पहले 1/2 tablespoon गरम मसाला पाउडर। योगर्ट जाएगी इसमें अराउंड 3 to 4 tablespoon हीप्ड, बिल्कुल भर के अच्छे से हम डालेंगे 3 to 4 tablespoons योगर्ट। और 4 से 5 अदद मैंने डाले इसमें आलू बुखारे। अच्छा जी, अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एटलीस्ट 1/2 hour या 1 hour के लिए हमें इसे मैरिनेट करनी है चिकन को लास्ट में। सो मैरिनेट करके हम इसे रख देंगे। अच्छे से चिकन को मैरिनेट करेंगे, कवर करके हम इसे रख देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ऑयल गरम कर लूँगी एक पॉट में मैं अनियन को फ्राई करने के लिए। 1/2 cup मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें अनियन ऐड करूँगी 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के अनियंस हैं, स्लाइस में मैंने कट कर लिए हैं। इन्हें हमें अच्छे से ब्राउन करना है और फिर निकाल के साइड पर रख लेना है। नॉर्मल बिरयानी की तरह हम इसमें नहीं डालेंगे चिकन का मैरिनेशन, पहले हम अनियन को ब्राउन करके साइड पर निकाल लेंगे अलग से। अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इतनी देर हमें इसको फ्राई कर लेना। तो प्याज हमारी यहाँ पे ब्राउन हो रही है। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने उसे अलग से निकाल लिया था। अब उसी ऑयल में, जो ऑयल हमारा गर्म हुआ हुआ है, उसी में हमें अपनी मैरिनेटेड चिकन डालनी है जो हमने मैरिनेट करके रखी है। ये देखिए हल्दी की वजह से कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। तो अच्छे से ऑयल में हमने इसको अच्छे से फिर भून लेना है बस 5 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि ये दम बिरयानी है तो बाकी इसका तमाम प्रोसीजर दम में ही पकेगा जब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो बस 2 से 3 मिनट हम इसे पका लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें ऑयल के साथ। कवर करके बस हमें से 5 मिनट्स के लिए इसे कुक करना है, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि बाकी हम इसे दम पे कुक करेंगे।
अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ गरम मसाले, जिसमें मैंने सिनेमन स्टिक, एक स्पून ज़ीरा, लॉन्ग ब्लैक पेपर होल और बड़ी इलायची और स्टार अनीस ले लिया और बे लीव्स, तमाम खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। हल्का सा मिक्स कर लें। मीन वाइल हमने जो ब्राउन की थी प्याज, उसको क्रश कर लेंगे हाथों से। 4 से 5 हरी मिर्च और कुछ स्लाइसेस, 2 से 3 अदर टमेटोज ले लिए हैं, उसको गोल गोल स्लाइस में कट कर लिए हैं। ये हम मसाले में ऐड कर देंगे। अब प्याज को अच्छे से हाथ से क्रश कर लेगा। टोमेटो की लेयर्स लगा दें और ब्राउन अनियन हल्का सा, बस हम इसे मिक्स कर लेंगे। दो से 3 मिनट ऐसे कुक करेंगे और फिर चूल्हा हम अपना बंद कर देंगे। मीन वाइल जब तक ये 2 से 3 मिनट कुक हो रही है, चिकन हम आलू बॉईल कर लेंगे पीला रंग डाल के, यानी कि येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने और आलू को हम बॉईल कर लेंगे और फिर इसकी भी लेयर लगा लेंगे दम देने से पहले। येलो फूड कलर डाल के इसे बॉईल कर लीजिए। ये देखिए आलू भी बहुत अच्छे से हमारे फिर बॉईल हो गए हैं। पानी बॉईल कर लेंगे चावलों के लिए। मैंने 3 कप राइस लिए थे, गरम मसाला ऐड किए, साबुन और राइस जो हम नॉर्मल बॉईल करते हैं इस तरह बॉईल कर लेंगे और 90% बॉईल कर लेंगे, 10% इसको रहने देंगे, बाकी ये दम पे कुक हो जाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए थोड़ा सा जब चिकन का पानी रिड्यूस हो गया तो हमने चूल्हा बंद कर दिया। अभी चिकन हमारी कंप्लीटली कुक नहीं हुई है। अब इस मसाले में हम ऐड कर लेंगे अपना हरा धनिया और पुदीना। जो आपको टमाटर और नज़र आ रहे हैं वो हम जब दम देंगे तो उसी में ये कुक हो जाएंगे। जैसे ही हमारे राइस बॉईल हो जाएंगे हम इस पे अपने राइस की लेयरिंग दे देंगे। सबसे पहले आलू की लेयर दे दीजिए। फिर अब हम इसमें लेयर देंगे जो हमारी राइस इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने बॉईल किए हैं। राइस की लेयर ऐड करने के बाद टमेटोज जो मैंने कुछ बचा लिए थे वो ऐड कर दूंगी इसके ऊपर। येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे। चावल अभी हमारे 90% डन है। अच्छे से अब हमें इसे दम देना है 15 to 20 मिनट्स के लिए, जिसमें हमारी चिकन भी कुक हो जाएगी और राइस भी प्रॉपरली पूरे कुक्ड हो जाएंगे। चिकन को बस हमें इतना कुक करना है कि उसका पानी ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद हम बंद कर देंगे और बाकी ये दम में खुद ही कुक्ड हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब मैंने इसे अच्छे से कवर कर लिया है और 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं इसे दम दे दूंगी। ये देखिए अच्छा सा इसमें दम आ चुका है, राइस हमारे डन हो चुके हैं। अब हम इसे करेंगे मिक्स। दम बिरयानी का यही है कि उसे मिक्स किया जाता है एंड में। हल्के हाथों से हम इसे मिक्स दे देंगे। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है।
तो मज़ेदार सी हमारी दम बिरयानी रेडी हो चुकी है गाइस, डू ट्राई दिस रेसिपी, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी थी। कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको बिरयानी कैसे लगी। प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।